आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं अथैया हूँ और मैं करीब करीब रोज ही ये यूट्यूब पे देता हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए। और मेरा डेयरी स्कूल भी है, तो उसमें आप ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं टेलीफोन नंबर आपको बाद में दे दूँगा। ये मैं वो वेटनरी इंसेमिनेटर और क्या कहते हैं ये AI वर्कर्स हैं, उनके लिए ये बना रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, कहता रिंग में वो रिंग वो यूट्रस में वो पार नहीं हो रही, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो है इसमें जैसे है कि पहले सर्विक्स होती है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि सर्विक्स होती है और सर्विक्स के वजाना होती है और वल्वा होती है, वजाना होती है, उसके बाद सर्विक्स होती है। तो सर्विक्स जो है देखिए इसमें दिखाई दे रहा, सर्विक्स सर्विक्स दिखाई दे रहा, हाँ सर्विक्स जो है ये हार्ड होती है, कार्टिलेजर्स होती है, और इसी में सीमेन को रखना होता है। तो ये आप समझ लीजिए, ये मैं सर्विक्स का दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी वो जो है इंसेमिनेटर ये कहते हैं ऐसा गन पास नहीं हो रही, गन पास नहीं करना है उसको, जो है वो स्पर्म का ऊपर है उसे निकाल देना, गन पास नहीं करना है आपको, मतलब मिड सर्वाइकल ही रखना है, मिड सर्वाइकल आपको रखना है, तो आपको वहीं पे छोड़ देना। आपके पास तीन चार बूंद के करीब वो सीमेन होता है, तो आप इसको मिड सर्वाइकल रखिए। देखिए ये स्पर्म दिखा रहा हूँ मैं, इसमें ऐसे स्पर्म जो है स्पर्म है, इसमें ऊपर एक्रोसोम होता है, तो ये एक्रोसोम हटेगा, ये एक्रोसोम हटेगा तभी, तो ये एक्रोसोम जब ही हटेगा जब आप इसे मिड सर्वाइकल रखेंगे। अगर आप इसे मिड सर्वाइकल नहीं करेंगे, जैसे इसमें दिखाया गया है कि सर्विक्स में ही रख दिए, रिंग को पास करने की ज़रूरत नहीं है। घोड़े में तो मतलब उसका जो लिंग है वो बच्चेदानी में जाता है, पर गाय में नहीं जाता बच्चेदानी में, उसको तो बाहर ही छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप सर्विक्स में चला जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं उसने बीज गिरा दिया, अरे वो बीज नहीं गिरा सकते कि उसमें जो है तीन बूंद तो बीज जा रहा है उसमें, मतलब 0.25 होता है, 16 बूंद का 1 ml होता है, 4 बूंद जा रहा है, 4 में से 3 ही जाता हुआ, उसमें जो है 150 लाख स्पर्म होते हैं और वो अंदर की तरफ बड़ी तेज़ी से चले जाते हैं, उसमें संकुचन होता रहता है बच्चेदानी में, तो वो उसको अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब पर ले जाती है। और वो जब आप सीमेन को निकालते हैं, जब आप थॉ करते हैं, वो 10-15 मिनट तक ज़िंदा रहता है, पर लाइट नहीं दिखानी चाहिए, अगर लाइट में चला गया तो मर जाएगा, लाइट या पानी से वो मर जाता है, और अगर बच्चेदानी में चला गया तो वो वहाँ 72 घंटे तक ज़िंदा रहता है। अगर इसको सीमेन को जो है वो प्रिजर्व कर ले एग वाइट या उसमें, तो वहाँ भी वो 72 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रखा रह सकता है। देखिए मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि कुत्ते का सीमेन 5 दिन तक ज़िंदा रहता है, मुर्गी का सीमेन जो है टर्की में जैसे होता है तो वो 6 महीने तक ज़िंदा रहता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टर्की में होता है, चमगादड़ का सीमेन जो है वो 6 महीने तक रहता है। तो ये सीमेन है 72 घंटे तक ज़िंदा रहता है, जो अंडा है वो 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है। तो अगर 18 घंटे हो गए हैं तो अंडा निकल आया है और 24 घंटे तक वो ज़िंदा रहेगा, तो आपका दोबारा यही करने का तो कोई औचित्य नहीं है। और भौसा भी तो 4,000 रुपये का आ रहा है, 1600 का आ रहा है, तो आप दो बार करेंगे? ये मैं देख रहा हूँ पूरे देश में ही 2 बार AI कर दी साहब, आज भी की है कल भी की। अरे भाई 2 बार AI जब की जाती है, जब आप 2 बुल का सीमेंट टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सा बुल बेटर है, किसका कंसेप्शन रेट बढ़िया है, तो वो बुल सिलेक्शन में उसमें किया जाता है कि आपने दोनों से कर दिया, जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने देख लिया कि जर्सी का बुल अच्छा है या होलस्टीन का जिसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसको आप बेचेंगे उसी तरह से। तो ये जो तूफान उठा हुआ है कि साहब 2 बार AI कर रहे हैं और साहब उसने बीज गिरा दिया, वो बीज नहीं गिरा सकती, बीज तो चला गया जाना होता है, वो तो कोविड का जैसे वायरस है उस तरह से, वो तो अंदर की तरफ उसका प्रवेश हो गया और उसमें से जो आपके 150 लाख हैं उसमें से 1 स्पर्म भी उसमें घुसेगा, तो उसकी चिंता मत करिए। जो वो बाहर निकलता है वो जो है वो लिंक को घुसने के लिए लुब्रिकेशन होता है वजाइना में, और वो तो मतलब ज़्यादा भी निकल सकता है कम भी निकल सकता है, वैसे वो ग्लासी होना चाहिए, काऊ में तो ग्लासी होता है, बफेलो में कभी कभी थोड़ा सफ़ेद भी हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है
कि वो गिर गया साहब, गिर गया साहब, वो बीज, वो सोचते हैं कि बीज गिर गया, बीज नहीं गिर सकता, बीज तो चला गया उसे जहाँ जा रहा था। अब ये कहते हैं कि साहब तो बहुत गिरा रही है, वो तो कम गिरा रही है। अब लेडीज़ में भी होते हैं, किसी को माहवारी ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होती। तो आप कंट्रोल ब्रीडिंग करेंगे तो उसमें तो एक निश्चित समय है, उसमें आप बताओ बीज को डाल दीजिए। अगर डिस्चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्चार्ज से और हीट का कोई संबंध है। डिस्चार्ज तो शुरू में ही शुरू हो जाता है, जैसे आप कुतिया में देखते हैं, कुतिया तो 7 दिन तक डिस्चार्ज करती रहती है पहले, फिर उसके बाद स्टैंडिंग हीट आती है उसकी। गाय में भी ऐसा होता है, 18 घंटे तक करेगी फिर मतलब कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। मतलब कभी कभी लोग ये भी है कि प्रोजेस्टेरोन का सब इंजेक्शन लगा दिया, वो क्यों लगाते हैं मेरी समझ में तो आता नहीं है, पर वो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन है और ज़्यादा डिस्चार्ज करेगी, वो जो डिस्चार्ज है वो वाइट रंग का करेगी, फिर वो कहते हैं इन्फेक्शन हो गया था, इसमें दवाई पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं है, वो आपने प्रोजेस्टेरोन लगा दिया इसलिए वो मतलब प्रेगनेंसी का था वो देने लगी, और वो सर प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। तो मैं ये सब बातें जो हूँ जनरल पब्लिक और इंसेमिनेटर और उनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप वो जो है जितना कम पैसा उसका खर्च करवाएंगे और जितने आप उसको लाभ करेंगे उतना ही वो आपको बुलाएगा। आप कृपा करके ये 2 सीमेन स्ट्रॉ डालना और क्या कहते हैं 2 बार AI करना, इसका मतलब मैंने भी बहुत AI की है, मैंने तो कभी AI नहीं की, मतलब वो तो 50 साल पहले मैं करता था तो जानवर वहीं आते थे एक ही बार कर देते थे, अब ऐसा हो गया है कि मोबाइल है, मोटरसाइकिल है और फ्रोजन सीमेन है तो वो भाग के पहुंच जाता है। हमारे टाइम में तो ऐसा होता नहीं था, वो अस्पताल पे ही लाता था और उसे एक बार करा लेता था फिर चला जाता था। तो और विदेशों में भी मैंने देखा है, वहाँ तो बर्फ़ पड़ी रहती है, आप कैसे 2 बार कर देंगे? अगर आप कंट्रोल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे जानवर एक साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एज ए प्रोफेसर आपको ये बता रहा हूँ कि कृपा कर पे इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो बीज नहीं गिरा सकता, अब उसके दिमाग में है। अब ह्यूमन में तो ऐसा होता है कि ह्यूमन में तो ऐसा होता है आप कभी भी संभोग कर लीजिए, और अगर ह्यूमन गुस्सा हो जाए तो वो ज़िंदगी भर संभोग नहीं करेगा। पर गाय या कुतिया और भेड़ बकरी या घोड़े में ऐसा नहीं होता, इसमें 48 घंटे या 24 घंटे के लिए संभोग होता है, उसके बाद कोई संभोग नहीं होता। आप वो AI फ्रोजन सीमन और AI गन लेके घूम रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि वो रिसेप्टिव है, वो रिसेप्टिव नहीं है, वो रिसेप्टिव जो है 24 घंटे को ही रिसेप्टिव रहती है गाय। अगर आप सांड के संग छोड़ देंगे उसे तो 24 घंटे तक वो चढ़ने देगी सांड को, उसके बाद वो नहीं चढ़ने देगी। कुतिया जो है वो 4-5 दिन तक रिसेप्टिव रहती है, समझे ना। भेड़ जो है वो 24 घंटे रहती है, बकरी जो है 24 घंटे रहती है। तो ऐसा ही है, आप इस बात को समझिए। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को जो है काउ रिप्रोडक्शन से कन्फ्यूज़ मत करिए। ह्यूमन में तो कभी भी संभोग कर सकते हैं, और ह्यूमन गुस्सा हो जाए तो ज़िंदगी भर संभोग नहीं कर सकते। तो उसका किस्सा दूसरा है, वो साइकिक है, इसमें जो है हार्मोनल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूमन में भी होता है। मेंसेस के 15वें दिन जो है वो ओवुलेशन होता है, इसमें जो है हर 21 दिन पे ओवुलेशन होता है। तो मैं इसी के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं डेयरी में ट्रेनिंग भी देता हूँ, मेरा डेयरी स्कूल है, उसके डायरेक्टर जो हैं राकेश राठौर जी हैं, जिनका टेलीफोन नंबर राकेश जी का नंबर है 7300771111 और 7771177 इनका नंबर है राकेश जी का। तो आप मुझको भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 8979748686 है। देखिए ये दोनों नंबर है, राकेश जी का भी है और मेरा भी है। तो आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना, और
आशा करता हूँ कि इंसेमिनेटर और जो एआई वर्कर्स हैं और जनरल पब्लिक है उनके जो भ्रम हैं वो दूर होंगे। नमस्कार।